बासिल जब पैदा हो रहा था, और बड़ी आपकी इमोशनल वो कहानी आपने बताई, आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त जब सभा का ऑपरेशन चल रहा था, और आपने कहा कि एक बड़ी एक इमोशनल आपके लिए मोमेंट थी, क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा महसूस हुआ, फीलिंग आई कि सब ठीक हो गया। ऐसा ही था। तो इन्होंने तो अपनी फीलिंग्स बता दी, यू ऑन द अदर हैंड, जब आपका इतना जिंदगी का एक इतना बड़ा माइलस्टोन, इतना बड़ा एक लम्हा था, और माज आपके साथ नहीं थे, Were you upset? Were you angry? Were you sad? Were you frustrated? आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, ये बात अभी तक मुझसे किसी ने पूछी नहीं, और ना मैंने अभी तक किसी को बताई है। मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। मतलब बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मास की फ़्लाइट थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपका ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल बेबी था मेरा, और फिर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि A month earlier, हाँ, एक महीना पहले तक सब कुछ सही था। और जैसे ही मास गए और मैं डॉक्टर के पास गई, उसी दिन हम लोग मास को छोड़ के 11 बजे और 5 बजे मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बस इसी इस तरह की सिचुएशन है और अब ये होगा। तो बस वो उस टाइम मैं गई हुई भी अकेली थी, तो मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई कि मास भी नहीं है और वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे। तो मतलब पूरे रास्ते में आई, मैं घर आके रो रही थी, फिर मास की दादी को बुलवाया पापा ने, फिर दादी आई, फिर दादी ने मुझे दिलासा दिया कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होता है, कभी भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर मेरी मम्मा को बुलवाया, फिर मम्मा ने आसरा दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे अभी बेबी नहीं कहना, जब तक मास नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, मतलब ये था। फिर मैं पूरी रात लेटी रही, फिर मैं सोचती रही कि अल्लाह ना करे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, बस यही था। फिर मैंने हार मान ली और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई, फिर बस यही था, वेट कर रहे थे कि मास जल्दी आ जाए, कोशिश करें कि मतलब जब बेबी होने वाला हो तब पास हो, मतलब मेरी ख्वाहिश थी, नहीं थी भाई। कोई पर नहीं आ सके। आपके कितने टाइम बाद आए थे डिलीवरी के? 6 दिन, 5वें दिन आए थे। 5वें नहीं, डिलीवरी के मैं 5वें दिन, हाँ 5वें या 4वें दिन आए थे, ऐसे ही कुछ होगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम कभी आपको ये बुरा भी लगा कि यार कि व्हाई इज ही नॉट हियर? बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं जा रही थी ना, मतलब डॉक्टर ने कहा चले आप लास्ट कॉल करनी है आपने अपने हस्बैंड को या किसी को करनी है तो कर लें, बात कर लें, तो मैंने की थी, वो व्लॉग भी है। मैं बहुत रोई थी, मतलब मुझे ये था कि काश वो मेरे पास होते, मतलब मैं हक करती, मतलब वो बहुत इमोशनल वो होता है। पास ही था, जगह पे था वहाँ से, पास ही था मैं तो। कि अगर इसमें ये भी चीज़ है, देखिए अगर मैं वहाँ नहीं होता तो अल्लाह ने बुलाया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह आपको बुलाता है अपने घर पर। तो मैं अल्लाह के पास था और मैं ये सोच रहा था कि जो कंडीशन थी, जो डॉक्टर बता रहे थे जैसा कि भाई बेबी मसले में है, उसको अभी करना है हमें सी सेक्शन, ठीक है। तो वो उसके लिए फिर डॉक्टर ने जब इसको कहा, मैं उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, अब मैं जब उस दिन वहाँ जा रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा कि मैं वहाँ गया हूँ, ठीक है। तो कि वहाँ पर आप दुआ करो, और आप जिस दिल से जाते हो, जो आपका जज्बा होता है वहाँ पर, जितना करीब हो जाते हो अल्लाह ताला से, तो वो जज्बा था मेरा, और मैं वहाँ पर दुआ कर रहा था और यहाँ पर ठीक हुआ। तो मैं मेरे कनेक्शन में सोचता हूँ कि कनेक्शन जुड़ा हुआ था इसमें। हाँ, एक ये भी सोचे ना कि अगर वो यहाँ पे हो भी लेते, आपको दिलासा देने के अलावा ऐसा क्या था, क्या कि था? क्या ही कर सकते, क्या करता था? और ये कुदरती एक अमल है, ऑब्वियसली जो भी चीज़ होती है अल्लाह की मर्जी से होती है, अल्लाह की मर्जी से होती है। मैं इसको ये बोल रहा था, अगर मैं किसी वेकेशन पे होता तो मैं इसको रिग्रेट करता कि भाई मेरी गलती है सारी, लेकिन अभी मेरी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जिस जगह पे गया था वो तो अल्लाह के बुलावे से ही बंदा जाता है।